बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं और शोर ज्यादा मचाते हैं। ऐसे कलाकारों को लगता है कि हमने जो भी छोटा मोटा काम किया, कम काम किया है, इसको अगर हम लोग बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, शोर मचाएंगे, तो ये काम बड़ा हो जाएगा। और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो जो भी हम काम करेंगे अपने आप वो बड़ा हो जाएगा, अपने आप उसका शोर मचाएगा। ऐसे ही कलाकार है हमारे बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती साहब। हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड छलांग। इसमें हम लोग बॉलीवुड की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था मिथुन चक्रवर्ती साहब का। मिथुन चक्रवर्ती साहब उन कलाकारों में से है जो सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं, शोर शराबे में नहीं। मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो 76 में हुई थी और पहली पिक्चर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, ये बात तो सभी जानते हैं। उसके बाद उनकी छोटी मोटी फिल्में रिलीज होती रही, सुरक्षा हिट हुई, सुरक्षा के बाद फिर और भी उन्होंने फिल्में की, लेकिन 81 में उनकी फिल्म डिस्को डांसर ने तहलका मचा दी। ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जो 100 करोड़ तक पहुंच गई थी, जिसकी कमाई 100 करोड़ पार कर गई थी। तब भी लोगों ने, बॉलीवुड के लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती को एक्सेप्ट नहीं किया, कहा ये कैसी फिल्में करता है, एक्शन वैक्शन, इसके जो फैंस हैं वो सब लोंडे लपाड़े हैं, फैमिली वाले तो इसके ऑडियंस है ही नहीं, ना बच्चे पसंद करते हैं, ना औरतें पसंद करती हैं, ना बुजुर्ग लोग पसंद करते हैं, ये लोंडो लबाटे का हीरो कब तक चलेगा, 1-2 साल में आउट हो जाएगा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती साहब ने इस बात की कभी परवाह नहीं करी कि उनके फैंस कौन है, वो तो सिर्फ मेहनत में विश्वास करते थे। समय आगे बढ़ा और 85 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म रिलीज हुई प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को रोड की ऑडियंस से लोगों के घर तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के रिलीज के बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मिथुन चक्रवर्ती के फैन हो गए। ये फिल्म जबरदस्त कामयाब हुई और जो लोग सोचते थे कि मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक्शन फिल्में कर सकता है, डांस कर सकता है, वो भी खामोश हो गए। हालांकि पूरी बॉलीवुड मिथुन चक्रवर्ती को थोड़ा दूर ही रखती थी, अवार्ड्स में शामिल नहीं करती। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म थी, इनको अवार्ड मिल सकता था, लेकिन ना जाने क्यों उनको अवार्ड की कैटेगरी से दूर रखा जाता। मैंने माना ही नहीं जाता था कि ये हीरो है, लोगों को लगता था कि ये 2-4 साल चलेगा और वापस कलकत्ता चला जाएगा। इसलिए लोग, बड़े जो निर्माता निर्देशक थे, मिथुन चक्रवर्ती को अपनी फिल्मों में नहीं लेते थे उस जमाने में, बाद में सबने लिया। और दोस्तों, इस फिल्म से एक और हादसा जुड़ा है, प्यार झुकता नहीं से एक और हादसा जुड़ा हुआ है जो अवार्ड से बहुत बड़ा है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये एक गहरे प्यार की कहानी थी, तलाक की कहानी थी। उसी दौरान जब बहुत सारे जोड़े रियल लाइफ में जो तलाक लेना चाहते थे कोर्ट गए, तो कई अदालतों ने उन जोड़ों को ये कहा कि पहले मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यार झुकता नहीं देख कर आओ, उसके बाद तलाक के लिए केस लगाओ। अदालत के कहने पे कई जोड़ों ने जो तलाक लेना चाहते थे, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यार झुकता नहीं देखी और उस फिल्म देखने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और तलाक नहीं दिया। तो ये एक मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, अवार्ड से बढ़कर उपलब्धि थी। और इस तरह मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म ने हिंदुस्तान में हजारों लाखों तलाक होने से बचा दिए। इस बात के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती को इस बात का कभी घमंड नहीं रहा कि उनकी फिल्म ने उनकी वजह से हजारों लाखों घर टूटने से बचा दिए। दो बस अपना काम करते रहे क्योंकि उन्हें काम में विश्वास। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की एक छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा। ऐसे और भी कहानी किस्से हमारे पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सों से, कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।